नमस्कार। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का चयन किया गया है। यह ऑनलाइन सिस्टम नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि NGDRS के नाम से जाना जाएगा। NGDRS सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए आवेदक को इसमें अपना एक अकाउंट तैयार करना ज़रूरी है। यह अकाउंट कैसे बनाना है इसका प्रशिक्षण अब हम इस वीडियो के द्वारा लेंगे। सबसे पहले आपको इंटरनेट पर जाके सामने दिखाई गई ngdrs.jk.gov.in यह वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। वेबसाइट का एड्रेस आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। जब आप इस वेबसाइट से कनेक्ट होंगे तब आपको वीडियो में दिखाया गया सॉफ्टवेयर का होम पेज या मेन पेज नज़र आएगा। आपको सबसे पहले सिटीजन सेक्शन में रजिस्टर नाम की जो एक लिंक है उस लिंक को आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको NGDRS सिस्टम में आपका अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म दिखाई पड़ेगा, जहां आप स्क्रीन पे पूछी गई जानकारी सिस्टम में फीड करनी या भरनी होगी। अब आपके सामने जो फॉर्म दिखाई पड़ रहा है इस फॉर्म में तीन ज़रूरी जानकारी सिस्टम को देनी है, जिसमें आपका नाम, आपका पता और आईडी की जानकारी, आपका अकाउंट नेम जिसे हम लोग यूज़र नेम कहते हैं और एक पासवर्ड सेट करना है। इस फॉर्म में जहाँ जहाँ लाल रंग का निशान या स्टार दिया गया है उस जगह पे आपको सिस्टम को पूरी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है या अनिवार्य है। दो ज़रूरी बातें आपकी ध्यान में रखनी है। आपको सबसे पहले सिटीज़न टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप सिटीज़न हो तो सिटीज़न टाइप सेलेक्ट करें। अगर आप एडवोकेट हो और आप एक से ज़्यादा आवेदन सब रजिस्ट्री ऑफिस में करना चाहते हो तब आपको एडवोकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप डीड राइटर हो तो फिर डीड राइटर टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको इन तीन टाइप्स में फ़र्क बताता हूँ। सिटीज़न टाइप में आवेदक सिर्फ एक एप्लीकेशन कर सकता है, जबकि एडवोकेट या डीड राइटर टाइप में आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के पास भेज सकते हो। सबसे आखिरी में एक हिंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर किसी सूरत में आप पासवर्ड भूल जाते हो तब आपको इस हिंट क्वेश्चन के माध्यम से यह पासवर्ड रिकवरी करना होता है या आप कर सकते हो। इस प्रकार से NGDRS सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है। धन्यवाद।